Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक प्रीव्यू लेते हैं भारत और पाकिस्तान के 19 तारीख के मैच का. थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी टीम आगे है, कौन सी टीम थोड़ी सी पीछे. बात करते हैं ओपनिंग डिपार्टमेंट की. पाकिस्तान हल्के से ऊपर है, इसलिए कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इमाम की और फखर जमान की कंपेयर टू शिखर धवन, खासतौर पर जो कि आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म रहे इंग्लैंड में. मगर खतरे से खाली नहीं है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन चटियल सफेद बैटिंग पिच के ऊपर उनकी टेक्निक इतनी ज्यादा टैक्स नहीं होगी और वो कम बैक कर सकते हैं और उनका वनडे का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है. मगर पाकिस्तान स्लाइटली अहेड है ओपनिंग डिपार्टमेंट में. मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान ज्यादा एस्टैब्लिश नजर आ रहा है. भारत को प्रॉब्लम्स हैं 3-4 नंबर की. 5 नंबर पे कौन खेलना चाहिए? सो केदार यादव जो है, क्या वो आइडियल है पोजिशन पे 4 पे खेलने के लिए? MS धोनी है, फिनिशर है वो, या अभी थोड़ी सी ताकत उनकी लूज हो गई है? ये सब सवाल जो है वो भारत को अभी जवाब देना है उनका. पाकिस्तान के पास शुएब है, आसिफ अली है, बाबर आजम है, इस्टेब्लिश्ड हैं. बेशक पार हिटिंग जो है वो बाबर आजम की या इमाम की उस लेवल की नहीं है, मगर वो अपना रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं. वो जो है डिपेंडेबल क्रिकेट खेल रहे हैं और इसीलिए जो है वो स्कोर कर रहे हैं. तो इसमें भी थोड़ा सा पाकिस्तान आ गए. सो बैटिंग में बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान जो है वो भारत से स्लाइटली अहेड है. फील्डिंग में पाकिस्तान की टीम जो है इस साल सबसे ज़्यादा रन आउट करने वाली टीम है दुनिया की. सो फील्डिंग बहुत इंप्रूव हो गई है पाकिस्तान की, फिटनेस इंप्रूव हो गई है. सो उसमें भी मुकाबला कड़ा है. तो फील्डिंग में तो दोनों टीम्स बराबर हैं, मगर अब देखना यह है कि बाकी डिपार्टमेंट्स में कौन आ गए. सो बॉलिंग में भारत आ गए हैं पाकिस्तान से, क्योंकि ज्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं. बैटिंग में सालों के बाद जो है वो पाकिस्तान की बढ़तरी बन गई है, क्योंकि अनसर्टन मिडल ऑर्डर है भारत का, पाकिस्तान का श्योर मिडल ऑर्डर है. ओपनिंग डिपार्टमेंट में शिखर धवन थोड़े से आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म है. पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स जो हैं वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं. सो इस लिहाज से बैटिंग में पाकिस्तान ज्यादा कॉन्फिडेंट और भारत से आगे, और भारत बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट और फास्ट बॉलिंग में इस वक्त पाकिस्तान से नंबर ज्यादा लिए हुए हैं. सो मैच कौन जीतेगा ये बड़ा सवाल है. मेरे हिसाब से अभी 50-50 है. मैं कोई विनर नहीं पिक कर सकता पहले मैच के बाद. दूसरे मैच में पता चलेगा पहले मैच के रिजल्ट के बाद कि कौन क्लियर कट विनर है. बट होगा क्या उस दिन जो टीम और जो प्लेयर्स टेम्परमेंटली स्ट्रांग हो गए और प्रेशर मोमेंट्स पे हिम्मत नहीं हारेंगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ उस इशू को टैकल करेंगे, वो बेहतर परफॉर्म.